में वापस मुर्दे निकालने पड़ते हैं, पुरानी जो हो जाती है उनको, उनकी हड्डियां निकलती है, कई तरीके से समस्या आती है। जेसीबी वाले के ऊपर हमला कर दिया, उसके साथ में हाथ उठाया, जेसीबी के सारे कांच टूट गए। पंचायत और प्रशासन ने हमसे बात नहीं की, हमें विश्वास में नहीं ली गया। सालवी समाज से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें एक बार बात करते और विश्वास में ले लेते तो कोई समस्या नहीं। विधानसभा में कोई कानून बन रहा है तो जनता से तो पूछेगा नहीं, मैं इस कानून में हाँ करूँ ना करूँ। उनके घरों पर पत्थर फेंके गए, उनको डराने, जान से मारने की धमकी। वो भी थोड़ा इस चीज को समझे कि भाई दलितों पे अत्याचार ना होए, अगर नहीं करते तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। इसमें परिवार के बंदे ने आके पुलिस प्रशासन को फोन कर दिया, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया। मेरे हाथ में एक तख्ती है जिस पर लिखा हुआ है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और ये नारा आज हालांकि राजसमंद जिला मुख्यालय पर गूंज रहा है, मगर इसकी जो आवाज़ है, इसके पीछे का जो विषय है, वो भीम क्षेत्र के देवडूंगरी गांव से निकल कर आता है। कुछ दिनों पूर्व आपको पता होगा वहाँ एक शमशान भूमि को लेकर एक विषय निकलता है, अखबारों की सुर्खियों में रहता है। उसके बाद उस गाँव से एक पक्ष यहाँ आकर ये ज्ञापन भी देता है कि हमारे 22 लोगों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, उन मुकदमों की एक सामूहिक जाँच हो, वो उसको बताते हैं कि ये गलत मुकदमे हुए हैं। और उसके साथ साथ एक विषय और निकलता है कि ये जो शमशान भूमि आवंटित हुई है, इसके गांव को जानकारी नहीं थी। आज दूसरा पक्ष पहुंचा है, बड़ी संख्या में पहुंचा है, काफ़ी अच्छी खासी संख्या के साथ। अब ये अपना विषय रखने आए हैं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि यहां से क्या कुछ बातें हैं वो आप तक पहुंचाऊं। क्या नाम है आपका? प्रकाश नागर। प्रकाश जी, कौन सा गाँव है आपका? मेरा टाटगढ़। अच्छा, ये जो पूरा विषय है, पहले मैं चाहता हूँ दर्शकों तक विषय पहुँचाए, फिर उसमें थोड़ी सी अपन दूसरी बात भी करेंगे। विषय तो ये है कि हमारी समाज के वहाँ पे मतलब करीब 60-70 से देवडूंगरी में और 3-4 गांवों के वहाँ पे शामिल में शमशान घाट लगते हैं। पूर्व में जो शमशान घाट है वो एक कुछ तो हाईवे के अंदर चले गए और कुछ ब्राव क्षेत्र के अंदर है। और जैसा कि हमारे क्षेत्र हमारी समाज के अंदर जैसे दफना करने की नीति है, तो कई बार वहाँ पे क्या होता है कि हमें वापस मुर्दे निकालने पड़ते हैं, पुरानी जो हो जाती है उनको, उनकी हड्डियाँ निकलती है, कई तरीके से समस्याएँ आती है। तो गाँव वालों ने सोचा भाई कि नई जगह करना चाहिए और एक अच्छी जगह करें, ताकि जो हमारे जो पवित्र मुर्दे जो दफन हो चुके हैं उनके साथ में किसी प्रकार की मतलब अभद्रता ना हो, मान सम्मान उनका बना रहे। तो इसी संबंध में एक बार पहले हमने दाह संस्कार किया था, उस समय विवाद हुआ था उस समय तो दोनों पक्षों के बैठ के बीच में समझौता हो गया था कि जहाँ भी सरकार अलॉटमेंट करे वहाँ पर आप आगे का कभी ऐसी घटना हो जाए तो आप दाह संस्कार करना। तो उस समय भी विवाद हुआ था, तो यहाँ पे ADM साहब और SP साहब और सब मौके पे थे। तो ADM साहब और इन्होंने सरपंच साहब ने सब तत्परता दिखाते हुए ज़मीन अलॉटमेंट करवा दी। और दुर्भाग्यवश ये एक डेथ और हो गई 3 महीने के बाद में। तो हमारी तैयारियां चल ही रही थी जैसे कि, तो खड्डा खोदना पड़ता है हमारे जैसे दफनाने के लिए, तो हम JCB लेकर वहाँ पर मौके पर गए। उससे पहले सरपंच साहब, स्थानीय सरपंच साहब, पटवारी और जो भी प्रशासन था, सुबह जल्दी आके जगह बता दी, भाई ये जगह आपकी अलॉटमेंट हुई है, और वो जगह बताकर चले गए। जैसे ही हमने वहाँ पे गड्ढा खोदने की तैयारी की, तो सामने वाला जो पक्ष था वो बहुत सारी महिलाओं और पुरुषों के साथ में वहाँ पे आके JCB वाले के ऊपर हमला कर दिया, उसके साथ में हाथ उठाया, JCB के सारे कांच टूट गए और मतलब विवाद पैदा हो गया। विवाद जैसे पैदा हुआ तो प्रशासन को पता चला, तो प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। 2-3 घंटे तक समझाइश इसका दौर चलता रहा, भाई इस मामले को किसी तरह निपटाया जाए, लेकिन संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें ये मामला बैठा ही नहीं। और बैठने का क्या, जब सरकार ने हमें जगह दे दी है, भाई जनता की दणी दोरी सरकार है और सरकार ने हमारे हितों की रक्षा करते हुए तुरंत प्रभाव से जमीन अलॉटमेंट करवा दी, तो नियति वही करना था हमारे को। इसमें जो आपका पूरा विषय, ये विषय लगभग अब हर बार सुन रहे हैं, इस विषय में जो दूसरा पक्ष ज्ञापन देने आया था, उस दिन मैंने उनसे भी बात की थी, उनका इस स्थान के बारे में ये कहना था कि हमें जगह से तो कोई आपत्ति नहीं है, पंचायत और प्रशासन ने हमसे बात नहीं की, हमें विश्वास में नहीं ली गया। सालवी समाज से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें एक बार बात करते और विश्वास में ले लेते तो कोई समस्या नहीं थी। वो ऐसा देखो, ये तो गांव के कई मौतबीरानों की इस बात की जानकारी भी है, और जैसे अपन एक सरपंच नियुक्त होती है, जनता उसको निपटा चुन के भेजती है। आज हमारे विधायक महोदय हैं, अगर विधानसभा में कोई कानून बन रहा है तो जनता से तो पूछेगा नहीं, मैं इस कानून में हाँ करूँ ना करूँ। उसी प्रकार सरपंच साहब ने अपने स्वयं विवेक से अच्छी तरह काम लिया, अच्छा निर्णय लिया और जमीन अलॉटमेंट करवा दी। अब वो कहते हैं हमें पूछा नहीं, जबकि गांव वालों के मौतबीरानों के सरपंच साहब के साथ में बात हुई है। जब सरपंच अपन चुनते हैं इसी के लिए कि भाई वो हमारे हितों की रक्षा करेगा और वो कहेगा जिसमें अपन रहेंगे, सरपंच को ये कह के घर जाके तो पूछेगा ही नहीं कि भाई मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ऐसा करूँ नहीं करूँ। तो उन्होंने अपना अधिकार का प्रयोग किया और एक अच्छी जगह मतलब वहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो उनके गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर है और जो हमारी बस्ती है उससे भी करीब 0.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। तो क्या पता क्यों विवाद कर रहे हैं। आज आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, 1-2 लोगों से और भी बात करूँगा, मगर मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ, आज आने का मुख्य कारण क्या, मुख्य मांग क्या है?
आज मुख्य मांग है कि जैसे कि पूर्व में जो प्रकरण हुआ था, जिस दिन दाह संस्कार होना था, उस दिन पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा और उन्होंने मतलब पूर्ण रूप से कानूनी अपने करके दाह संस्कार करवा दिया। फिर उसके बाद में तीसरे की घटना थी, उस दिन भी कुछ ऐसा माहौल खराब होने की संभावना थी, तो उस दिन भी प्रशासन ने मोर्चा संभाला और इस मामले को निपटा दिया। फिर तब तक भी ऐसा मुकदमा दर्ज कराने की कोई नहीं थी, लेकिन ये तो घटनाएं दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी भाई, इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। फिर कानून का सहारा लेना पड़ा और लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। मुकदमे दर्ज होने के बाद इसमें जो मुख्य गवाह थे उनके घरों पर पत्थर फेंके गए, उनको डराने, जान से मारने की धमकी, कई लोगों के तरह के फ़ोन करके उनको डराया धमकाया जा रहा है। अभी तक जितने भी आरोपी हैं, 22 आरोपी हैं, उनमें से एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जल्दी से जल्दी मुख्य आरोपियों को, इन सब आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई कर इनको कोर्ट में पेश करें और आगे का मामला कोर्ट में चलता रहेगा। और अन्यथा अगर ये तुरंत प्रभाव से इनकी गिरफ्तारियां नहीं होती है, हम समय डालेंगे उस समय के अंदर, तो फिर इससे भी बड़ा एक भव्य आंदोलन है जो हमारे राजस्थान के जितने भी दलित संगठन है, समाज के संगठन है, वो पुनः एक बार राजसमंद की इस धरती पर पधारेंगे और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। जी, ये पूरा विषय निकल कर आ रहा है। देवडूंगरी गाँव से कोई है क्या अभी जो मौके पर, अगर उस दिन था या ऐसा कोई व्यक्ति? हाँ, कोई अगर हो तो हाँ उनसे भी जान लेंगे। आपका क्या नाम है? प्रभुदयाल जी, सकल जाने पहचान लग रही थी, थोड़ी दाढ़ी आपकी बड़ी हो गई, चश्मा लगा रखा था, मैं पहचान नहीं पा रहा था आपको। तो प्रभुदयाल जी, ये जो विषय निकल कर आ रहा है, आपको नहीं लगता है कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? सामाजिक टकराव जो बढ़ता है ना, प्रशासन कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जनप्रतिनिधि ऐसा कुछ सुनिश्चित कर ले कि भाई ये सामाजिक टकराव धीरे धीरे रुके। रुकना चाहिए, अभी जनप्रतिनिधि और प्रशासन अगर करे बैठ के कोई ऐसे कोई आंदोलन चलावे या कुछ ऐसे कार्यक्रम करे तो हो सकता है उसमें। और बाकी तो खुद जैसे जो अदर कास्ट जैसे ओबीसी से है चाहे जनरल से है, वो भी थोड़ा इस चीज़ को समझे कि भाई दलितों पे अत्याचार ना होए। अब जैसे जो वो जो शमशान जो आवंटन हुआ, जो ये घटना हुई, वो शमशान तो सार्वजनिक है, समाज का सालवी विशेष, सालवी हाँ समाज विशेष का है नहीं, वो सार्वजनिक है, उनमें तो उनका भी है कि वो भी जाए, वो भी उनके जो अंतिम संस्कार करे, उनसे तो कोई रोक टोक है ही नहीं। फिर भी उन्होंने जिस तरीके से जो घटना की उसके लिए तो हम बहुत उसकी निंदा करते हैं। और बहुत अभी हम आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, अगर नहीं करते तो हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे इसमें। आपका क्या नाम? थोड़ा सा पीछे आ जाओ आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरम देव है। वीरम जी, आप उस दिन मौके पे मौजूद थे? आप? मैं मौके पे मौजूद था। क्या कुछ जो आरोप लग रहे हैं कि भाई आए पथराव हुआ, ये जो पूरा घटनाक्रम क्या हुआ था वहाँ पर? हम दो लोग और तीन व्यक्ति थे। हम जैसे जैसे भी लेके पहुँचे थे, पहुंचने के तुरंत बाद ही ये महिला और पूरा झुंड आ गया रावत समाज का। आने के बाद में उन्होंने पथराव करके जेसीबी पे तोड़फोड़ कर दिया और कुछ उग्र आदमी उसको आग भी लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें से ही कई लोगों ने उनको बुझाने की कोशिश किया, लेकिन पत्थर से शीशे फोड़ दिए गए। तब तक हमारे में से ही पीछे से कोई परिवार के बंदे ने आके पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर दिया, पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद तुरंत जेसीबी को थाने में लेके चले गए। थाने से जब प्रशासन को पता चला कि ये जायज है, तब फिर जेसीबी वापस थाने से बुलाई गई। लाने के बाद में जब डिप्टी साहब ने ले जाने की खुदाने के तो वो सामाजिक पटवारी और ये इन लोगों को भड़का के वो जगह को चेंज कराने के रावत समाज का प्रयास किया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, वो डिप्टी साहब ने बोला कि जहाँ जगह है वहीं पर दफनाया जाएगा। और फिर वहाँ पर जेसीबी जैसे हम ले जाने लगे सबको, तब भी वो आगे हाथों से रोकने लगे कि आगे आगे नहीं बनाना इसको, जेसीबी को वहाँ। मोटा मोटी मैं जो समझ रहा हूँ ना, इस पूरे घटनाक्रम में आप प्रशासन और पुलिस से तो आपको लग रहा है कि उस दिन तक उनकी भूमिका सही थी, मतलब बाकी जो दूसरे पक्ष थे उन्होंने कुछ ये इसमें व्यवधान डाला, बाकी पुलिस और प्रशासन से आपको इतनी नाराजगी उसमें मेरे को नहीं दिखाई? नहीं नहीं है, पुलिस प्रशासन से हमको इतनी नाराजगी नहीं है। पुलिस प्रशासन से यही कहना है कि उनको 15 दिन हो गए हैं, उनकी तुरंत गिरफ्तारी की जाए। और मेरे ही घर पे, मेरे खुद के घर पे 10-15 शीशे फोड़ दिए। मुझे एक मकान दिख रहा है, एक वीडियो फोटो कुछ आ रहा है, वो आपका मकान है? मेरा मकान है। ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की घटना। अच्छा, इसको लेकर फिर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? हाँ, FIR दर्ज करवाई है। कौन थे, कोई ऐसा ये बता रहे थे जैसे कि धमकियों के भी फोन आ रहे हैं ऐसा कुछ? ऐसा है तो इसी प्रकरण से ही है, FIR प्रकरण से ही ये फोड़े गए कांच।
ये मकान बना हुआ तो 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन अभी ये प्रकरण होने के बाद ही तोड़े गए हैं, तो इसी प्रकरण से ही माना जाए। और दूसरा, मैंने तो अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। ये जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है, और देखो ये विषय आगे कैसे बढ़ रहे हैं कि जो आप पूरा प्रकरण बता रहे हैं, हालांकि वो पूरी घटना जांच का विषय, मगर उसके बीच में मकान पर पथराव जैसे विषय निकल कर आना अपने आप में एक गंभीर एक संकेत देते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोका जाना जरूरी है। हालांकि पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है उसमें, उस घटनाक्रम वाले दिन तक तो सभी लोग कह रहे हैं सही है, मगर अब जो विषय निकल कर आ रहा है, आज जो इतनी बड़ी संख्या निकल कर आ रही है, वो भी यह कह रही है कि इसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। बड़े दिन बीत गए हैं मगर अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। तो आज जो यहाँ आने का जो मूल विषय दिखाई दे रहा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया जोर जुल्म की टक्कर में तो कुछ तथ्या ऐसी भी दिखाई दे रही है जिसमें पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जो ये गिरफ्तारियाँ नहीं हुई उसकी नाराजगी नजर आ रही है, जिसमें पुलिस प्रशासन को हौस में आने की बात कही जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक विषय जो आज से कुछ दिनों पूर्व देवडूंगरी में उठता है, दो पक्ष आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं, पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर उससे पूरे मामले को संभालने की भी कोशिश करते हैं, मगर अब बीते कुछ दिनों से आरोप ये लग रहा है आज इस पूरे के पूरे ज्ञापन के माध्यम से कि उसके दोषियों को पकड़ा नहीं जा रहा है, कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस पूरे पूरे प्रकरण में जाँच के बाद क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी, और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस प्रकरण से जुड़े हुए तमाम विषय आप तक समय समय पर लेकर आऊँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।